बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कामरान जैसिक। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कामरान जैसिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम 200 GB ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज किस तरह हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी परचेजिंग, बिल्कुल फ्री, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल कामरान जैसिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर टेक्नोलॉजी टिप्स, ट्रिक्स और ऑनलाइन अर्निंग के मुताबिक वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। तो दोस्तों इस वेबसाइट का नाम है bloomb.com। तो इसकी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये देखिए गेट अप टू 200 GB फॉर फ्री साइन अप टूडे। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और ये देखिए फर्स्ट प्लान है 20 से 200 GB आप बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। इसका जो सेकंड प्लान है ये है पेड 250 GB, यानी कि 250 GB पर मंथ जो है $1 में आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड प्लान है ये भी पेड है 2 TB, यानी कि 2000 GB आप $3 में पर मंथ हासिल कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ और लास्ट प्लान है ये है 10 TB, यानी कि 10000 GB आप $10 में हासिल कर सकते हैं पर मंथ। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और ये देखें 12 मिलियन फाइल्स इन्होंने जो है अपनी क्लाउड स्टोरेज में सेव कर ली हैं। इसके बाद आप देख लें 1 लाख से ओवर इनके सब जो है हो चुके हैं यूज़र्स और 1 मिलियन एक्सेसेस इनकी हो चुकी हैं। और अगर आप जो है इनके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं अपने PC के लिए, ये देखें विंडो के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर आपके पास मोबाइल है तो आप एंड्रॉयड या आईफोन, जो भी आपके पास मोबाइल है उनके लिए एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है क्लाउड स्टोरेज हर वक्त आपके पास हो। तो हम सिंपली यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ये देखें साइन अप नाउ। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है वाकई में यानी रियली आप 200 GB ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा, ताकि आपकी पूरी पूरी हेल्प हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना ईमेल एड्रेस लगाना है, इसके बाद आपने अपना पूरा नेम लिखना है, इसके बाद आपने अपना यूज़र नेम लगाना है। तो मैं अपना यूज़र नेम लगाऊंगा kamranshares। तो आपने सिंपली क्लिक करना है चेक एबिलिटी पे। तो मेरा जो है ऑलरेडी मैंने हासिल कर लिया है यूज़र नेम, तो इसलिए ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है कह रहे हैं अवेलेबल नहीं है। तो आपने अपना यूज़र नेम वो लगाना है जो आपका अवेलेबल हो। तो इसके बाद आपने अपना इंटर करना है पासवर्ड, इसके बाद आपने रिपीट पासवर्ड करना है, इसके बाद आपने अपना प्रोमो कोड लगाना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली क्लिक करना है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। इसके बाद आपने सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो आपके जो है जीमेल है, याहू मेल है, जो भी आपका मेल है आप उस पे आपको जो है साइन अप का जो है कंफर्मेशन लिंक मिल जाएगा। तो आपने सिंपली उसे कंफर्म कर देना है और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो इसके बाद मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं सिंपली जो है लॉग इन करूँगा। तो हमारा जो डैशबोर्ड आ चुका है, ये देखें हमारा प्लान जो है बेसिक है और हमने जो है यूज्ड स्टोरेज हमने जो है यहाँ पर यूज़ की है स्टोरेज तो हमने बिल्कुल नहीं की, ये देखें 0 BB यानी कि 0 BB हमने यूज़ किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास जो है 20 GB स्टोरेज है। अभी तक हमने जो है अनलिमिटेड स्टोरेज यानी कि 200 GB अभी तक हासिल नहीं की। तो मैं आपको वो बाकायदा तौर पर तरीका बताता हूँ। तो सब्सक्रिप्शन हमारी जो है अनलिमिटेड है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए ये है। तो इसके बाद आपने सिंपली क्लिक करना है गेट मोर स्पेस। तो गेट मोर स्पेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आ जाएगा इनवाइट्स। तो ये देखें इनवाइट फ्रेंड टू ब्लूम, यू कैन अर्न अप टू 200 GB ऑफ स्पेस बाय इनवाइटिंग यूर फ्रेंड्स टू ट्राई आउट ब्लूम। इनवाइट अप टू 9 फ्रेंड्स एंड गेट टू 20 GB ऑफ स्टोरेज विद एवरी वेरीफाइड अकाउंट। यानी कि अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हैं और वो यहाँ आकर अकाउंट क्रिएट करता है, साइन अप करता है और वेरीफाई करता है, तो आपको जो है 20 GB यानी कि 20 GB पर रेफर मिलेगा। तो आपने रेफर करने के लिए सिंपली यहाँ पे मेल एड्रेस लगाना है जो भी है। तो इसके बाद आपने जो है सेंड इनवाइट्स पर क्लिक कर देना है। अगर आपने उसकी अगर उसने आपकी जो है इनविटेशन को कबूल कर लिया और अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आपको जो है 20 GB पर रेफर मिल जाएगा। इसके बाद हम जो है प्लान्स और बिलिंग पर जाते हैं। तो दोस्तों मेरा नेट जो है कमज़ोर, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये देखें 20 से 200 GB हमने एक्टिव किया हुआ है, ये लाइफ टाइम के लिए है। इसके बाद जो है आपको मैंने प्लान जो पहले बताए हैं साइन अप से पहले, तो बिल्कुल वही प्लान्स हैं। तो आप जो है पेपाल के ज़रिए यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है माई फाइल्स पर जाते हैं और मैं आपको जो है कोई एक फ़ाइल जो है अपलोड करके दिखाऊँगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये रियली वर्क्स कर रही है। क्रिएट फोल्डर, हम यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ फोल्डर का नाम रखेंगे जस्ट डीमो हम जो है फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो अभी हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जस्ट वेट हियर। तो ये देखें जस्ट डीमो हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो हम इसे ओपन करेंगे, तो हम अपने फोल्डर में आ चुके हैं। इसके बाद हम अपलोड फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर हमें जो है ड्रैग करना पड़ेगा फ़ाइल को। तो हम जो है जाएँगे, ये देखें वो यहाँ से भी ओपन हो सकता है यहाँ से। तो हम जो है सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इस पिक्चर को हम ले आएँगे और ये देखें
तो ये देखें 0.3 MB जो है हमारी अपलोड हो रही है, हो चुकी है। तो दोस्तों ये देखें, जब मैंने इसे रिफ्रेश किया तो इस तरह जो है हमारा नेम आ चुका है फाइल का, ये JPG यानी कि ये इमेज है। तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और ये देखते हैं कि डाउनलोड किस तरह होता है। ये देखें सेम इसी तरह आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप अपनी क्लाउड स्टोरेज में फाइल सेव कर सकते हैं। ये उस वक्त काम आता है जब आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं या किसी को आपने फाइल सेंड करनी होगी, तो आपने सिंपली अपने जो है अपने अकाउंट में इसे अपलोड कर लेना है। आप उसको लॉगिन और अपना पासवर्ड दे सकते हैं। अगर आपका वो ट्रस्टेड जो है फ्रेंड है तो आप उसे जो है लॉगिन या पासवर्ड दे सकते हैं ताकि वो फाइल्स को डाउनलोड कर सके और अपलोड कर सके। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपको कोई डाउनलोडिंग या अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली आपने सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो है आपका जो भी क्वेश्चन है वो सर्च कर सकते हैं या आप सिंपली इनके साथ मैसेज से ये भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल कमरान जैसे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ टेक केयर, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।